हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम जो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे वो हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है। किस पे? बेंडिंग इक्वेशन के ऊपर है। जैसे कि दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है कई सारे न्यूमेरिकल बेंडिंग इक्वेशन के ऊपर, जो ऑलरेडी दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी आपके कुछ कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि हमारी बेंडिंग इक्वेशन होती क्या है। एक बार आपको मैं रिमेम्बर करा देता हूं, हमारा बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, एम अपान आई इक्वल सिग्मा अपान वाई इक्वल टू ई अपान आर। ये हमारी क्या है, ये हमारी दोस्तों क्या है, बेंडिंग इक्वेशन है, जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी काफी सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझेंगे और फिर हम उसे करेंगे। कह रहा है कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम इज सिमेट्रिकल। अब देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहा है कि हमारे बीम है जो क्रॉस सेक्शन उसका सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे भी हमारा कोई ये है, अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि दो बराबर भागों में बंटना, ऐसे बट गया, तुम्हारा बॉडी क्या सिमेट्रिक है, ठीक है, तो उस बॉडी को हम सिमेट्रिक कह सकते हैं। वो एक्स के भी हो सकती है एक्सिस की, या फिर वाई के एक्सिस के अबाउट हो सकती है, तो उस बॉडी को हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, इतना बात पता चल गया। अब कह रहा है कि बीम इज 50 सेंटीमीटर डीप, यानी जो उसकी गहराई है, जो डी है, हम डी से कंसीडर कर लेते हैं डी, ओके, जो हमारी डेप्थ है कितना कह रहा है, 50 सेंटीमीटर है, कितना दिया, 50 सेंटीमीटर है। तो ये अब क्या है, ये 50 सेंटीमीटर है, हमको चाहिए किसमें, मीटर में चाहिए, हमने डिवाइड किया से कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर, ठीक है, ये हमारी आगे डेप्थ। और कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द क्रॉस सेक्शन इज 70,000 दिया हुआ है, ठीक है, सेंटीमीटर की पावर 4 होता है, ये भी सेंटीमीटर में हमारा है, यानी कहने का मतलब जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, जो हमारा आई गिवेन है, क्या गिवेन है, आई गिवेन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा गिवेन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 70,000 लगाया और क्या दिया है, 70 मीटर की पावर 4, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, किसमें, मीटर में, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये 4 की पावर में है, ठीक है, तो 4 की पावर में जाएगा, और ये 3 पावर 1, 2, 3, 4 भी है जो कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी 4 बच जाएगा हमारा मीटर की पावर 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहा है, द बीम इज सब्जेक्टेड टू 50 kN प्रति मीटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी जो बीम है हमारी है उसमें जो हमारा लोड लग रहा है वो कैसा लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, कैसा लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, ये बात आपको याद रखना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि हमारी बीम जो दिया है वो किस कंडीशन पे है, यहाँ कैसे यूडीएल की कंडीशन पे है, यानी जो हमारा डब्ल्यू का वैल्यू दिया है वह कितना दिया, 50 kN पर मीटर, यही दिया हुआ है, यानी इसको हम चेंज करें तो 10 की पावर 3 हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, ओके, ये जितना भी हमारा गिवन था हमने लिख लिया। आगे कह रहा है कि डिटरमाइन अ सिंपल स्पैन ऑफ ए बीम सो दैट मैक्सिमम फ्लैंज स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड 110, यानी 110 एमपीए मेगा पास्कल, यानी जो स्ट्रेस गिवन है वो कितना दिया है तुम्हारा, 110 है ना, हाँ ठीक है, 110 एमपीए दिया हुआ है, एमपीए मेगा पास्कल को हम चेंज करेंगे न्यूटन प्रति मीटर में, ये कितना हो जाएगा, 110 10 की पावर 6 होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमने क्या क्या चेंज कर लिया। अब हमें पूछ क्या रहा है, लेंथ पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन मैक्सिमम स्पैन कितनी होगी आप बीम का। अब क्या ई का वैल्यू में कोई रिलेशन नहीं है ई और आर का, हमें क्या करते हैं इसको यूज करते हैं, ठीक है, तो जब हम इसको यूज करेंगे तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एंड सिग्मा अपॉन वाई, ठीक है। अब देखो एक चीज पहले हम एम को फाइंड करते हैं, एम को फाइंड करते हैं, तो एम के लिए हमें पता है क्या, एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कैसा है, यूडीएल के लिए क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट, ओके। अब ये वैल्यू कहां से आती है दोस्तों, इसके ऊपर ऑलरेडी दोस्तों मैंने डिस्कस किया हुआ है, अलग से न्यूमेरिकल बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट हो जाएगा। अब देखो डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ, 50 × 10 की पावर 3, अब है क्या एल स्क्वायर, एल स्क्वायर तो हमें फाइंड नहीं करना है, अपान कितना हो गया,
एट हो गया, इसको एज इट इज अभी रहने दो, यही रख के वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। तो रखते हैं 50 × 10³ एल स्क्वायर अपान 8, 8 दिया हुआ है। अब जो आई है, आई के जिस कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7 × 10⁻⁴ इक्वल कितना दिया सिग्मा का वैल्यू 110 × 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में है। और क्या दिया हुआ है, और वाई का वैल्यू कहां से आएगा, वाई क्या हमारे डेप्थ है, ये 0.5 है। अब इसको जब हम आधा करेंगे, क्योंकि डी इक्वल टू क्या होता है, यानी जो वाई इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन टू होता है, ठीक है। अब कितना ये 0.5 है, अपॉन टू करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25 होगा, यानी हाफ हो जाएगा 50 का, ये कितना हो गया 0.25 हो गया, ठीक है। अब कैलसी निकालना, इस एल स्क्वायर की दोस्तों जो वैल्यू फाइंड करेंगे, हमारा जो एल का वैल्यू आएगा रूट में आएगा, उसको इजिली हम क्या कैलसी से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 7.02 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से जो हमारे न्यूमेरिकल आएंगे उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगर आपको न्यूमेरिकल सेक्शन पसंद आया है तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।